लोकसभा आयोग यानी बीपीएससी 66वीं की रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने परचम लहराया है। आपको बता दें कि बक्सर की बेटी ने भी कमाल कर दिया है। जैसे ही 66वीं बीपीएससी पास होने के बाद बक्सर की बेटी पहुंची अपने गांव, तो वहां देखते रह गए, ढोल नगाड़े बजते रह गए, भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, माला से स्वागत किया गया, जिसे देखकर चतुर्वेदी फूले नहीं समा रही थी। लोग वहां मौजूद थे, वहीं चतुर्वेदी की मां भी मौजूद थी, जो देखकर आश्चर्य हो गए। बक्सर के लोग बक्सर स्टेशन पहुंचे, स्टेशन पहुंचने के बाद ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया गया, फूल पहनाया गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद से ही सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। वही चतुर्वेदी प्रारंभिक शिक्षा उनका था सरस्वती शिक्षा मंदिर से, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान लिया। उसके बाद से बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी। जब बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी, एग्जाम हुआ, रिजल्ट निकला, तो इन्होंने परचम लहराते हुए बीपीएससी पास आउट कर बक्सर अपनी गांव पहुंची, तो देखती रह गई। जिस तरह से स्वागत हुआ बक्सर की बेटी का, कहीं ना कहीं यह माहौल खुशी का बना हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। इसके बाद मैंने इंटर किया एमबी कॉलेज से। इसके बाद मैंने बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर मैं 2019 से बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी। फाइनली इस बार बीपीआरओ में सेलेक्शन हो गया। बक्सर की बेटी बड़ा नाम करेगी है? सब लोग, सारी बेटियों से मेरा ये अनुरोध है कि वो लोग भी ऐसे ही आए और ऐसे ही बक्सर का नाम करें। शिक्षा दे बढ़िया से पढ़ू तो बढ़िया इज्जत मिली।